अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या आप जानते हैं कि आठ ऐसे वक्त होते हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। इट मीन्स टू से 8 बेस्ट टाइम्स टू मेक अ दुआ। वैसे तो अल्लाह ताला कोई भी घड़ी दे सकता है जो कि हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। इन ये आठ वक्तों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि दुआएं कबूल हो जाएं। कि वो आठ वक्त ये हैं कि सबसे पहला तो तहज्जुद का वक्त यानी कि रात के तीसरा पहर। जब आप दुआ मांगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर सुनेगा। और दूसरा वक्त सुजूद यानी कि जब भी आप सजदा करें तो आप अल्लाह से दुआ मांगे। तीसरा होता है कि जब भी आप रोजा रखें यानी कि फर्ज हो या नफिल रोजा, जब रोजे की हालत में आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है। चौथा वक्त है ट्रैवलिंग यानी कि जब भी आप सफर करते हो तो दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और पांचवा वक्त है जब बारिश हो रही हो तो तब आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर कबूल करते हैं। और छठा है जब आपको परेशानी बहुत हो और आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है, तब आप असर और मगरिब के दरमियान दुआ मांगे, स्पेशली जुमे के दिन। जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान जो भी दुआएं मांगते हैं इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और एक अरफा के दिन दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे करके आप इन टाइमों में दुआ मांगेंगे तो यानी कि इन वक्त में दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर देंगे। इन वक्तों को ध्यान रखे और इन वक्त में दुआएं मांगते रहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।